ये ऐसा स्प्रेन बैंडेज बांधा है मैंने, और तो मैंने पैसेंजर को पिक किया और 2 किलोमीटर ही ड्रॉप कर दिया। तो 2 किलोमीटर ड्रॉप करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए सोचिए मुझे कितना मिला रहेगा। आपको 1-2 सेकंड देता हूँ। अरे बहुत मस्त था, आप देख सकते हो लाइटिंग की है पेड़ों के ऊपर, बहुत कलरफुल लाइटिंग दिख रही है, बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसा कुछ रहेगा तो अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं घर से व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा पैर को मोच आ गई है, तो कल मैं गाड़ी पे नहीं जा पाया। पर मैं निकला था, पर मेरा कंडीशन नहीं था कि मैं क्लच और एक्सेलेटर और ब्रेक नहीं दबा सकता था पैर से, तो बीच रास्ते से घर पे आ गया। तो कंडीशन बहुत ही ख़राब है, तो अभी भी थोड़ा बहुत गोली खा के अच्छा लग रहा है। अभी स्प्रेन बैंडेज लगा दिया है पैर को, तो अपना काम शुरू कर रहा हूँ। देखता है आज कितना काम कर सकता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे, आपको अगले कैमरे से दिखा देता हूँ क्या हालत है पैर की मेरी। ये ऐसा स्प्रेन बैंडेज बांधा है मैंने, और यहाँ पे तुलसी है, अभी जस्ट मैंने बांधा हुआ है। आप ये देखिए, ऐसा स्प्रेन बैंडेज बांधा है, इसके ऊपर सॉक्स डालूंगा। सॉक्स डालने के बाद देखते हैं क्या फ़र्क। अभी ये लगाने से थोड़ा ऐसा दर्द कम हो जाता है, मतलब ज़मीन पे पैर अपन रख सकते हैं। तो ठीक है, ऐसा कुछ है कंडीशन। तो निकलते हैं अपने काम के लिए, तो जुड़े रहना मेरे साथ। आज का दिन कैसा जाएगा आपको बताऊंगा। और ये देखिए, ये हमारा छोटा सा टॉर्टाइज, ये देखिए ये यहाँ पे, ये बहुत आलसी है। और आपको मैं बताऊंगा ना, आपको आश्चर्य होगा कि ये जो टॉर्टाइज है ना, ये मेरे घर पे 4 साल से है और इसका साइज ही नहीं बढ़ रहा है, और बहुत शांत है, ये बहुत शांत रहता है घर पे। मतलब अपने मर्जी से काम करता है, सोता है, उठता है, कब उसका टाइम टेबल खुद का ही टाइम टेबल है। इसको कोई मतलब बता नहीं सकता कि कब उठना है कब सोना है। अभी ये थोड़ा बहुत चलना चालू कर देगा, देखो देखना पड़ेगा, हिल गया, देखो अभी डर गया हो। चल रहा है अभी धीरे धीरे। वो बोलते हैं ना, आपने देखा रहेगा वो कहानी है ना, कछुए की चाल चलना, ये इसके ऊपर बहुत फिट गिरता है, ऐसा ही है। चलो ठीक है, अपने को लेट हो रहा है, इसको अपने इसके टब में, डर रहा है अभी, तो इसको अपने टब में डाल देते। डर रहा है, डर रहा है, डाल दिया टब में। चलो चलते। तो फ्रेंड, अभी मैं कार पे आ चुका, कार में बैठ चुका हूँ, और मैंने राइड भी शुरू कर दी है, और नज़दीकी पिकअप पॉइंट है तो वहाँ से पैसेंजर को पिकअप करते और नेरुल में ड्रॉप करना है। तो ये कैश पेमेंट है सामने, सामने पैसेंजर खड़े हैं। चलो उनको पिकअप करते हैं। मुझे पैसेंजर दिख रहा है, उन्होंने कहा था कि मैंने येलो टी शर्ट पहनी है। ये देखो, येलो टी शर्ट में यहाँ पे खड़े हैं पैसेंजर, इनको लेके जाना है। अभी जस्ट मैंने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया सीवुड मॉल के यहाँ पे, और ज़्यादा टाइम नहीं लग गया, आधे घंटे में पहुँच गया मैं। 17 किलोमीटर का राइड था, 17 किलोमीटर में 314 रुपये का बिल बना और मुझे 214 रुपया दिया गया है। ठीक है, अच्छा ही हुआ है। और क्या कहता हूँ कि थोड़ा पैर अभी ना थोड़ा दर्द कम होने लगा है, क्योंकि मैंने बाम और स्प्रेन बैंडेज बांधी है, उससे थोड़ा अंदर से दर्द पकड़ के रखा है, और इसी का हवा लग रहा है ना, तो मुँह और उसका कॉम्बिनेशन होकर पैर ठंडा, चिल्ड, गर्म नहीं हो रहा है, अंदर से एकदम
मतलब बोलते हैं चिल्ड हो गया, ठंडा पड़ गया, तो अभी थोड़ा दर्द कम हो रहा है। तो देखते अभी कब तक बुकिंग लगेगी अगली, तो आपको अपडेट देता रहूँगा मैं। ये अपोलो हॉस्पिटल है, यहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप किया। ये नेरुल में बेलापुर सीबीडी में अपोलो हॉस्पिटल आता है, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है मैंने अभी पैसेंजर को। यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, आगे वो ट्रैफिक जाम है सामने की तरफ। आज बहुत कंटेनर निकले लगे लग रहा है, बहुत कंटेनर है, आप देख सकते हो एक के पीछे एक कंटेनर की लाइन लगी है। सिग्नल छूट गया, अपना भी सिग्नल लगेगा, अपने को चांस मिलेगा आगे जाने का। पैसेंजर को अभी मैंने जस्ट आपने देखा कि मैंने अपोलो हॉस्पिटल में ड्रॉप कर दिया, तो ज़्यादा बड़ा रहा ट्रिप नहीं था, 3 किलोमीटर के आसपास था। 3 किलोमीटर के लिए 145 रुपीज़ का बिल बनाया और 105 रुपये दिया। ये ऑनलाइन था, इसके पहले जो राइड था वो कैश में था, 314 रुपया बिल बनाया था। और दोनों भी मिनी बुकिंग हो गई है, प्राइम मिलना तो बहुत ही मुश्किल हो गया। चलो ठीक है, दोनों भी राइड में बहुत अच्छा खासा मिल गया, मतलब ऑलमोस्ट प्राइम जैसे ही बुकिंग मिला है। तो अभी मैंने ये 3 किलोमीटर ड्रॉप किया था उसको 105 रुपया, मतलब आप पकड़ के चलिए 30 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से मिला है। और उसके पहले जो मैंने नेरुल से पनवेल से सीवुड मॉल ड्रॉप किया था 17 किलोमीटर के आसपास था वो, तो उसके लिए 214 रुपया, मतलब 13-14 रुपए के हिसाब से दिया गया है, अच्छा ही मिला है। तो अभी यहाँ से मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ कहाँ पे वॉशरूम रहेगा, तो पहले अपना वॉशरूम जाता हूँ, फिर काम चालू कर देंगे जल्दी से जल्दी। दोपहर के 1:15 बज चुके हैं, टाइम लग रहे है। चलो लेट गाड़ी निकाला है, तो रेल गाड़ी निकालने के बाद लेट तक गाड़ी चलाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा दर्द कर रहा था पाँव, क्योंकि थोड़ा मसल पेन हो रहा था ना अंदर से, तो पैर रखने को नहीं होता है गाड़ी चलाने के टाइम पे, ज़मीन पे अगर पैर रखूँ ना तो दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। तो कल मैंने गाड़ी निकाली थी, ऑलमोस्ट मैं बाहर भी निकला था, मैंने ट्राई किया चलो गाड़ी चलाते, पर जैसे गाड़ी चालू किया चलाने के लिए वैसे पैर पे वजन आने लगा और सडनली पैर बहुत दर्द होने लगा, ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लगा। तो वैसे काम छोड़ के मैं चलाया घर पे, दो गोली खाया, उसके बाद थोड़ा आराम मिल रहा है अभी, तो ठीक है अभी यहाँ से आगे जाते काम चालू करते हैं अपना, बहुत ज़्यादा कमाना है, मंथ एंड नज़दीक आ रहा है, बाद में अपना गाड़ी का EMI आएगा, घर का रेंट भरना है, कल तक पूरा रेंट क्लियर करना है घर का, तो बहुत सारा काम पेंडिंग है, काम करना है। कल छुट्टी हो गया तो आज भर के निकलने, आज और कल में 2 दिन में अच्छा अर्निंग करना है। शाम के 7 बजने आ चुके हैं, जब मैंने आपको लास्ट बताया तब मैं दादर में था, दादर में खाना पीना खाने के बाद पहली बुकिंग लगी जो कि मुंबई की तरफ थी, अपोलो हॉस्पिटल। तो अपोलो हॉस्पिटल के यहाँ पे मुझे जाना था पैसेंजर को पिकअप करने दादर में से, तो मैं पहुँच चुका था दादर पिकअप पॉइंट पे, और वहाँ पे 5 जन थे पैसेंजर, तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ले लो करके, मैं बोला मैं नहीं लूँगा क्योंकि मुंबई की तरफ 5 जन को लेके जाना अलाउड नहीं, वैसे भी बैठना अलाउड नहीं 5 जन को, तो छोटा भी बच्चा नहीं था, अच्छा खासा 15-16 साल की लड़की थी, तो वो कैंसिल कर दिया उबर का, उसका 19 रुपये मिला मुझे। उसके बाद मैं बाहर निकला और
थोड़ा देर आराम किया, नींद आ रही थी, गोली खाई ना, पैर के पेन किलर है तो उसके लिए नींद आ गई, तो आधा घंटा सोया। तो आधे घंटे के बाद दूसरा पिकअप मिला जो कि जूहू का था, पर पिकअप पॉइंट पे जाते जाते कैंसिल हो गया, बोला यहाँ पे लटक गए। फिर एक बुकिंग लगी इंडिया बुल के यहाँ से, तो मैंने पैसेंजर को पिक किया और 2 किलोमीटर ही ड्रॉप कर दिया। तो 2 किलोमीटर ड्रॉप करने के लिए आप थोड़े देर के लिए सोचिए मुझे कितना मिला रहेगा। आपको एक 2 सेकंड देता हूँ। तो आपको मैं सोचने के लिए एक टाइम दिया था कि मुझे 2 किलोमीटर के लिए कितना मिला रहेगा। तो मुझे 2 किलोमीटर के लिए 234 रुपया मिला, और 19 मिनट लग गए पर 234 रुपया मिला, जो कि 1 किलोमीटर के लिए 117 रुपये का था। 117 234 रुपया होता है, तो 234 रुपया मुझे 2 किलोमीटर के लिए मिले। पर एक सबसे ख़तरनाक चीज़ वो है कि सुबह से मेरे 3 ऑनलाइन हो गए और मेरा 1 कैश हुआ है। तो वैसे भी ओला को मुझे पैसे रिटर्न देने ही थे, क्योंकि मेरा TDS के अमाउंट बहुत सारा बढ़ते जा रहा है। तो कभी 100 रुपये बढ़ता है, कभी 200 रुपये बढ़ता है, कभी 2 दिन का कुछ बढ़ेगा ही नहीं। तो ऐसा करके 900 रुपये देना था, तो ऐसा करके अभी तक मेरा एक 700 रुपये कट हो गया, अभी 200 रुपये बाकी है उनको रिटर्न देने के। तो बहुत ही अच्छा लगा कि 2 किलोमीटर 234 रुपीज़ का मुझे अर्निंग दिया गया, बहुत ही अच्छा लगा। तो डिटेक्ट हो गए। अभी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ टाटा हॉस्पिटल के बैक साइड में, पार्ला में, परेल में। तो देखते हैं नेक्स्ट बुकिंग किधर की लगी और कहाँ की लगी। तो जुड़े रहना मेरे साथ, आपको जानकारी देता हूँ। रात के पौने दस बज चुके। आप देख सकते हो अभी मैं अंधेरी में हूँ। ये मुझे परेल से बुकिंग लगी जो कि 17 किलोमीटर की थी। अंधेरी वेस्ट में मुझे ड्रॉप करना था, तो मैंने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया। तो मुझे लगा अंधेरी वेस्ट में ड्रॉप करने के लिए 1.5 घंटा निकल जाएगा, पर ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने 40 मिनट में यहाँ पे आ गया। तो मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसा हो सकता है, हो गया मेरे साथ, इतना जल्दी मैं आ गया। सांता क्रूज में किधर भी गर्दी नहीं लगा, ट्रैफिक ही नहीं लगा, एकदम आराम से आ गया मैं। तो इसका 500 रुपये का बिल बना है, 496। अब 500 रुपये पकड़ो, मुझे 350 रुपये दिए 37 किलोमीटर के लिए। अच्छा ही हुआ, 40 मिनट में 350 रुपये, अच्छा ही अमाउंट है। अभी इतना सुबह से ये दूसरा मेरा कैश हुआ है ना, तो सब ऐसे फालतू जा रहा था, कुछ भी, सब 2-3 ओला मनी, 2 ही कैश हुआ। अभी तो कुछ तो पैसा आ गया अपने हाथ में, अभी तो अच्छा लग रहा है कम से कम। तो इसके पहले एक हुआ था, एक अभी सीन हुआ मेरे साथ कि मैं सांता क्रूज में, मैं पार्ला में था लोअर परेल में, तो मुझे उबर की आउट स्टेशन की इंटरसिटी बुकिंग लगी। पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे भी चला गया, आधा घंटा 15 वहाँ पिकअप पॉइंट पे जाने के बाद 10-15 मिनट रुका भी वहाँ पे। अच्छा खासा अमाउंट दिख रहा था, 1800 रुपये मुझे मिलने वाला था कैश में 76 किलोमीटर के लिए। 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, पैसेंजर ही नहीं आए। फ़ोन कर रहा हूँ, आप किधर हो, कुछ आ रहा हूँ। आखिर में मैंने कैंसिल कर दिया। और सबसे बड़ा पोपट तब हुआ जब मुझे पनवेल की ओला से बुकिंग लग गई, जो कि अपने को पनवेल जाना था, मैं जहाँ पे रहता हूँ, तो वो भी बुकिंग चली गई और ये भी बुकिंग चली गई। मतलब बोलते हैं ना, हम लोग मराठी में कहते हैं खाया पिया कुछ नहीं, हिंदी में खाया पिया कि कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना, ऐसा हुआ है मेरे साथ। अभी मैं अभी सानपाटा के लिए निकल रहा हूँ। मुझे बुकिंग लगी है अभी अंधेरी से, बिस्लरी के यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ, और नज़दीक से ही पिकअप पॉइंट है, पैसेंजर को पिकअप करना है और ड्रॉप करना है सानपाटा। ये रास्ते के किनारे बहुत मस्त है, आप देख सकते हो लाइटिंग की है पेड़ों के ऊपर, बहुत कलरफुल लाइटिंग दिख रही है, बहुत अच्छा दिख रहा है। ऐसा कुछ रहेगा तो अच्छा लगता है, देखने भी अच्छा लगता है, देखने में भी आप देख सकते हो कितना कलरफुल है, बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, रात के
पौने दो बज चुके हैं, दो बजने के लिए 15 मिनट बाकी है। अभी मैं घर के रास्ते पे चलना चाह रहा हूँ। अभी मेरा घर पे घर यहाँ से 2 किलोमीटर पास ही है। तो मैंने आपको जब आपसे जब बात किया था तब अंधेरे में 11:30 बजे थे। तो पैसेंजर को मैंने सानपड़ा में ड्रॉप किया था और सानपड़ा 29 किलोमीटर का राइड था। 29 किलोमीटर के लिए 620 रुपया दिया गया मुझे। एक घंटे में पहुंच गया था, ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब ट्रैफिक ही नहीं था ना। 10:30, 11:30, 12 बजे तक ट्रैफिक ही नहीं रहता है, कहाँ भी नहीं था। वहाँ से मैंने सेकेंड पिकअप लिया था सानपाड़ा से गो होम का पनवेल के लिए, सॉरी पनवेल नहीं था, सीबीडी बेलापुर। बहुत अच्छा अर्निंग दिया है इसका। सिर्फ मैंने 11 किलोमीटर गाड़ी चलाई और 416 रुपये का बिल बनाया और मुझे 316 रुपये दिया गया। तो बहुत ही अच्छा अमाउंट दिया गया। तो मतलब अभी ओला ने रात को भी इतना फेयर बढ़ा के दिया है तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। तो बहुत अच्छा लगा कि भाई कुछ ना कुछ बढ़ा के दे रहे। पर आज का काम बहुत ख़राब निकल गया। मतलब मेरा 2200 रुपये का ही अर्निंग हुआ, ज़्यादा हुआ ही नहीं। जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे एक खालापुर की बुकिंग लगी थी पर वहाँ पे उबर का वो मुझे कैंसिल करना पड़ा। फिर वहाँ पे एक घंटा मेरा वेस्ट के चला गया परेल में। तो वहाँ से आते आते बहुत टाइम हो गया था, 10:30 बज गए मुझे अंधेरे में पहुँचने के बाद। तो बहुत बहुत आज मतलब ख़राब दिन चला गया। और ऊपर से ऑनलाइन पेमेंट था बहुत सारा तो मुझे ओला को पैसे रिटर्न देने थे तो चले गए। तो कैश फुल मिल के मतलब टोटल कैश ऐसा बोला जाएगा तो मेरा आज 1200 रुपये का ही कैश जमा हुआ है, बाकी का सब ऑनलाइन ही हो गया है। तो ऐसा कुछ हुआ है आज का दिन, जैसा सोचा था वैसे नहीं बीता है, पर ठीक है, जो भी है आपके सामने है। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो चलो मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, स्वीट ड्रीम। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय।